हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेडीज़ मोजा बनाना बताऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने पहले 25 स्टिचेस डाले हैं, फिर हमने आगे आगे इनको शॉर्ट रोज में बनाना है जो ये हमने बनाई हुई है। तो देखिए इसकी शेप ऐसे कुछ बन के आएगी, बहुत ही प्यारा लगता है ये बना हुआ और पहना हुआ भी। तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 25 स्टिचेस डाले थे और उसके बाद मैंने इसकी 14 रोज बना ली हैं। मैंने इसका जो आगे से ये खुला हुआ पार्ट रखा हुआ है ये मैंने कम रखा है, ताजो हमारा जो पैर है वो पूरा ढक जाए। तो अगर आपने ये वाली चीज ज्यादा रखनी है तो आपने इस चीज को ज्यादा बनाना है, इस चीज को थोड़ा ज्यादा बना लेना है। तो अगर आपने कम रखनी है तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि उसकी रोज अपने हमने कम बना लेनी है। अगर आपने ये चीज भी कम करनी है हमने स्टिचेस कम डालने हैं। इसकी हमने 29 सिलाइयां डालनी है। इसकी सारी रोज हमने उल्टी उल्टी बनानी है, ये देखिए। तो हमने जब दूसरा कलर लगाना है तो हमने इसकी 14 × 15 हमने इसकी 29 सिलाइयां जो बनानी है, और 14 रोज बन के हमारे हमने एक सिलाई एक्स्ट्रा डाल लेनी है ताकि हमारा उल्टी साइड आ जाए। हमने उल्टी साइड पे दूसरा धागा लगाना है। साइड हमारी आ गई यहाँ पे। अब हमने उल्टी साइड पे ये व्हाइट वाला कलर मैंने इसमें यूज किया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करके अपना दो कलर का जो मोजा है वो बना सकते हैं। हमारी जो जे वाली चीज है, जे वाली चीज बनेगी, जे जो हमने बनाई हुई है ऐसे। तो देखिए मैंने इतना बना लिया है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाना है। ये हमने इसमें व्हाइट कलर लगा लिया है। हमने जो पूरा मोजा है वो पूरी उल्टी उल्टी सिलाइयों का ही बनाना है। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके तीन जो स्टिचेस हैं उनको छोड़ लेना है ऐसे। ये देखिए तीन स्टिचेस छोड़ के हमने फिर आगे जे वाला धागा लगाना है, व्हाइट वाला। उसके बाद हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है। फिर ऐसे ही हमने ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी ऐसे ही डाल लेनी है। अब देखिए हमने जो पहली सिलाई थी हमारी उल्टी उल्टी डाल ली है हमने, ये तीन स्टिच छोड़ के ग्रीन वाले। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने सीधी साइड दूसरी सिलाई डालनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने ये तीन स्टिचेस छोड़े थे ये वाले, उसके बाद हमने एक सिलाई उल्टी डाल ली व्हाइट की। फिर हमने जब दूसरी साइड आगे हम इधर की साइड सीधी वाली साइड, फिर हमने ये एक सिलाई डाल ली। जब हमने यहाँ ग्रीन वाले के लास्ट तक आना है तब हमने ये दो स्टिचे छोड़ देने हैं। तो हमने फिर इसको पलटा लेना है, फिर इसे ऐसे ही बना लेना है उल्टी उल्टी सारी सिलाई। बस फ्रेंड्स ऐसे ही बनाना है। अब हम दूसरी साइड आ गए, सीधी वाली साइड। देखिए अब हम यहाँ तक आ गए फिर हमने इसको उल्टी बनाना है। जब हम यहाँ तक आ गए तो फिर हमने दो स्टिचेस छोड़ लेनी है, उसके बाद फिर उसको घुमा के ऐसे बनाना है। ये देखिए ऐसे उल्टी बना लेना है इसको हमने यहाँ तक। देखिए अब हम फिर यहाँ तक आ गए, यहाँ से घूमकर एक हमने जो यहाँ से सिलाई छोड़ दो स्टिचेस छोड़े थे हमने वहां से फिर उल्टी सिलाई डालकर इधर को उल्टी डाली, और उसके बाद हमने जब दूसरी साइड आ गए सीधी वाली साइड तो हमने दो स्टिचेस छोड़ देने हैं। देखिए हमने सीधी वाली साइड ही दो स्टिचेस छोड़ के आगे फिर दूसरी वाली साइड ऐसी बना लेना है। फिर हमने जब अगली सिलाई डालनी है फिर हमने ऐसे दो दो करके स्टिचेस छोड़ी जाने हैं, और जो उल्टी सिलाई है उसको ऐसे ही बनाते आना है। तो अब देखिए मैंने इसमें दो स्टिचेस छोड़ दिए, अब इसको दोबारा टर्न करके हम उल्टी सिलाई है जो हमारी उल्टी ही बनाएंगे ऐसी सारी। उल्टी सिलाई जब हमारी कंप्लीट होगी तो हमने जब सीधी साइड आना है, देखिए ऐसे जब हमने सीधी साइड आना है तो हमने फिर यहाँ से उल्टा ही स्टार्ट करना है। जब हम उस दो स्टिचेस के पास पहुंच जाएंगे जो हमने पहले छोड़े थे पहली सिलाई में, तो हमने दोबारा से फिर दो आगे स्टिचेस अपने छोड़कर, देखिए हमने पहले में ये छोड़े फिर ये छोड़े, अब फिर तीसरी सिलाई में ये छोड़े, चौथी में ये, इसको ऐसे टर्न कर लेना है।
तो जो हमारे स्टिचेस बचे हैं उसको हमने ऐसे उल्टा बना लेना है। उसके बाद हमने जब सीधी सिलाई की तरफ आना है तो सीधी सिलाई स्टार्ट करके हमने जब एंड तक जाना है तो हमने उसके फिर दो स्टिचेस छोड़ देने हैं। देखिए हमारी जो शॉर्ट रोज ऐसे ही बनती जाएंगी, तो हमने इसको फाइट वाले को ऐसे कंप्लीट कर लेना है। जब तक हमारे यहाँ तक नहीं हमारे दो या तीन स्टिचेस बच जाते हैं तो तब तक हमने सेकंड कलर अपना नहीं लगाना। इसको सारे को ऐसे कंप्लीट कर स्टिचेस छोड़ छोड़ कर फिर हमने जो अपना नेक्स्ट कलर लगाना है। कितने हमारा जो हमने दो स्टिचेस छोड़ने होते हैं उसके पहले हमारा एक होल सा बन जाता है, तो वहां से हमको पता चलता है कि यहाँ हमने दो स्टिच अब हमारे छोड़ने। ये देखिए यहाँ पर होल बन गया क्योंकि हमने जो पीछे दो स्टिच छोड़े हुए थे वहां पे होल बन गया, तो उसके आगे वाले हमने दो स्टिच छोड़ देने हैं, वो इस लाइन के हैं। तो अब देखिए जो हमारे दो स्टिच हैं हमने इनको बना के अपनी जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए जो हमारी पूरी सिलाई है वाइट बना लेनी है, पूरी सिलाई उल्टी। ये देखिए देखिए हमने अपनी वाइट सिलाई पूरी बना ली है सीधी साइड से। अब हमने जब हमारे ये वाले स्टिच हैं इनको बनाना है तो हमने इनको ऐसे ही सिलाई में इसमें डालकर हमने इसको फिर बनाना है। ये देखिए ऐसे हमने इसको फिर हमने पूरी सिलाई को हमने ग्रीन बना लेना है। उल्टी साइड से एक सिलाई डाली है, अब हमने सीधी साइड से एक सिलाई डालनी है वो भी उल्टी। हमने याद रखना कि जो हमने नेक्स्ट कलर लगाना है वो हमने उल्टी साइड से लगाना है, जैसे पहले किया था हमने वैसे ही बनाना है इसको। देखिए पहले भी हमने तीन स्टिचेस छोड़े थे, अब भी हमने इसके तीन स्टिचेस छोड़ देने हैं। ये देखिए आगे वाले तीन स्टिचेस छोड़ के हमने सिलाई को टर्न कर लेना है और फिर पूरी को ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए उल्टी साइड हमने ये टर्न करके एक सिलाई पूरी अपनी कर ली। अब हमने सीधी साइड यहाँ तक आना है, यहाँ हमने तीन स्टिचेस अपने छोड़े थे। हमने ये ध्यान रखना कि हमने सीधी साइड ही जो हमारे स्टिचेज हैं वो छोड़ने हैं और उल्टी साइड पूरी ऐसे ही उल्टी बना ली है उसे। अब हमने दो स्टिच छोड़ के सिलाई को टर्न करके फिर ऐसे ही उल्टी को ऐसे बना लेना है। जैसे फ्रेंड्स जो हमारे शॉर्ट रोज हैं वो दोनों कलर में सेम ही ऐसी बनती जाएगी, बस ये बनाकर सिलाई फिर दो छोड़ देने हैं, फिर दो छोड़ने हैं, फिर दो और फिर दो, फिर ऐसे हमने दो दो करके पूरी सिलाई और पूरा इस तरह बना लेना है शॉर्ट रोज। ऐसे ये हमारी ऐसे बन के आएगी। ये अब हमने हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमने कौन से स्टिच छोड़ने हैं। देखिए यहाँ पर होल बना था तो हमने ये छोड़े थे, यहाँ होल बन रहा है अब हमने ये दो वाले छोड़ने हैं। अब हमने ऐसे बना लिए, फिर हमने टर्न करना है। किसी भी सिलाई के दो की बजाय ज़्यादा स्टिचेस नहीं छोड़ने हैं। हमने ग्रीन वाले को भी ऐसे ही बना लिया है। अब हमने सारी सिलाई अपनी ग्रीन बना लेनी है यहाँ तक। जब भी हमने कलर स्टार्ट करना है तो हमने उल्टी साइड से स्टार्ट करना है और जो हमने स्टिचेस छोड़कर आगे सिलाई बनानी है वो हमने सीधी साइड बनानी है। देखिए मैंने ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है पूरी की पूरी। अब हमने फिर तीन स्टिचेस जहाँ छोड़कर आगे हमने वाइट वाला कलर लगाना है। तीन स्टिच हमने इसके बनाकर छोड़ दिए हैं, हमने इसलिए बनाए हैं ताजो जो ये वाली सिलाई है इसके साथ अटैच में रहे, नहीं तो फिर ये पीछे रह जाएंगे स्टिचेस। तो आगे हमने वाइट वाले स्टार्ट कर लेने हैं। देखिए मैंने वाइट की एक सिलाई पूरी बना ली है यहाँ पे तीन स्टिचेस छोड़ के ग्रीन वाले। तो अब देखिए हमारे ये दो बन गए हैं वाइट और ग्रीन, फिर हमने वाइट लगाया है। तो ऐसे ही हमने फिर इसको बनाते चले जाना है जैसे हमने पहले वाइट बनाया था। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके जैसे वाइट ये बनाकर रेडी कर लिया है, सेम ऐसे ही बनाया मैंने जैसे ये दो वाले बनाए हैं। अब हमने फिर ग्रीन वाला बनाना है पहले हम। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये तीन बना ली हैं तो ये हमारा तीन इतना पोर्शन बन चुका है। अब हमने जिस फ्रंट वाला पोर्शन बनाना है तो अब हमने यहाँ पे वाइट नहीं बनाना, हमने पहले दो ग्रीन वाली बनानी है। ऐसे हमने एक वाइट और एक ग्रीन बनाई थी, अब यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर दोनों ग्रीन वाली बनेगी तो फिर हमारा जो फ्रंट साइड बनकर आएगा।
सेम जैसे पहले ग्रीन बनाया था हमने, इसको भी ऐसे ही बनाना है। फ्रेंड्स मैंने ये ग्रीन वाला एक बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने पूरी सिलाई ग्रीन बनाकर फिर आगे ग्रीन ही स्टार्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने फिर से ग्रीन वाले की सीधी सिलाई स्टार्ट कर ली है और आगे फिर हमने ये तीन वाले छोड़ने हैं। तीन वाले छोड़कर फिर ऐसे ही नेक्स्ट इसका सारा प्रोसीजर चलेगा। जैसे यहाँ रखना है कि हमने सीधी सिलाई में ही छोड़ने हैं, उल्टी में नहीं छोड़ने। उल्टी को ऐसे ही टर्न करके हमने बनाते चले जाना है। हमने यहाँ से यहाँ तक बना लिया है। अब हमने वाइट बनाना है, उसके बाद ग्रीन फिर वाइट। तो देखिए ये पूरा हमारा जो मोजा है वो पूरा ऐसे ही बनेगा, एक वाइट एक ग्रीन। बस जो हमारी फ्रंट साइड है उसमें ही हमने इसको एक कलर से बनाना है। दो पोर्शन, तीन इसके स्टिचेस हैं, उनको दूसरी सिलाई में ऐसे ही डाल लेना है। हमने जो हमने वाइट वाले की पहली सिलाई डालनी होती है वो हमारे जो हमने वाइट वाली पहली सिलाई उल्टी से स्टार्ट करने हैं, हमने छोड़ने सिर्फ पहली सिलाई में उल्टी में स्टार्ट करने हैं छोड़ने, बाकी की सब सीधी सिलाई में हमने छोड़ने हैं। तो ये यहाँ से ऐसे बनेगा ग्रीन। तो इसके कारण मैं आपको कह रही हूँ कि हमने जो व्हाइट वाली पहली सिलाई है उसमें हमने ऐसे छोड़ने हैं, तब हमारा ये बनकर ऐसा डिजाइन आएगा, कि इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी जो ग्रीन है वो ग्रीन वाला ऐसे ही बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये व्हाइट वाला हमने ये वाला कंप्लीट कर लिया अपना, इन हमने ग्रीन वाले छोड़े हैं ना ऐसे, उनको हमने ऐसे इस सिलाई में डाल लेना है। और जब हमने व्हाइट में इन तीन को नहीं बुनना, तभी हमारा ये ऐसे बनकर इसकी जो शेप है ऐसे देखिए ऐसे आएगी, ये देखिए ऐसे, तब हमारी जो ये ऐसी शेप बनकर आएगी ग्रीन की। और व्हाइट ऐसे लगेगी कि हमने बीच में ही बनाया हुआ है कैसे तरह करके। तो तब मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रीन को हमने ऐसे ही सिलाई पे उतार लेना है हर व्हाइट में। व्हाइट देखिए जो हमने व्हाइट वाली पहली सिलाई स्टार्ट करनी है उसमें हमने ग्रीन को ऐसे छोड़ देना है तीन स्टिचेस को, बाकी हमने व्हाइट को वैसे ही बुनना है जैसे हमने ग्रीन बुन रहे हैं। तो हमने जो लास्ट सिलाई है व्हाइट वाली, इसको पूरे को कंप्लीट करके लास्ट आई है हमारी यहाँ तक, तो हमने इनको नहीं बनाना, ऐसे ही इनको सिलाई में डाल लेना है। जब हमने ग्रीन बनानी है तो उसके साथ फिर हम इसको बनाएंगे। ये वाला पार्ट बना लिया हमने व्हाइट, उधर ग्रीन बना लिया, अब हमने व्हाइट बनाना है। देखिए ये हमारा व्हाइट पोर्शन बन चुका है। अब हमने इसको यहाँ सिलाई को लाकर यहाँ बंद कर देना है। फिर हम नेक्स्ट ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये जो ग्रीन वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी ये देखिए इसके जैसा हमने इसको भी बना लिया है। देखिए अब हमने इसकी 14 रोज डाल ली हैं। अब हमने इसकी जो मतलब इसकी 14 रोज मतलब 28 सिलाइयाँ डाल ली हैं, और 29वीं सिलाई जो हमारी है वो भी हमने डाल लेनी है और उसको उल्टी साइड से बंद कर देना है। देखिए अब हम इसको ऐसे वाइंड ऑफ करेंगे। देखिए इसको इस सिलाई में डालकर दूसरे को नाल बना बुन लेना है। ऐसे करके हमने इसको पूरे को बंद कर देना है। फिर आपको सिलना बताऊंगी। ये देखिए हमने पहले इसको यहाँ से ऐसे डबल करके नीचे से सिलना है सारा ऐसे, उसके बाद हमने इसको यहाँ से सिलना है। हमने इसको सिल लिया है, हमारा जो मोजा है वो बनकर रेडी हो गया है। देखिए ऐसे, तो हम इसको यहाँ पर इसके आगे कुछ भी बनाकर लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।